नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। छत्रपुर अस्पताल में भरा पानी, मरीजों को हो रही काफी दिक्कत और परेशानी। छत्रपुर जिला अस्पताल में पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण अस्पताल परिसर के बाहर व अंदर बारिश का पानी भरने लगा है। गंदा पानी भरे होने के कारण अस्पताल में रहने वाले मरीज व उनके परिजन मच्छर, मक्खी, कीड़ों आदि से परेशान हैं। गंदे पानी से संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा बढ़ने लगा है। पिछले दो दिनों से जिले में लगातार हो रही बारिश से पूरे शहर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा। सबसे अधिक स्थिति जिला अस्पताल की खराब है। यहाँ पर वार्ड में पानी भरे होने के कारण यहाँ आए मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अस्पताल में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं जहाँ पानी ना हो। सबसे अधिक परेशानी प्रसूता वार्ड, बच्चा वार्ड, ट्रॉमा वार्ड, मेल वार्ड में हो रही। अस्पताल में नवजात शिशु से लेकर हर उम्र के रोगी भर्ती रहते हैं। जिला अस्पताल में स्थानियों के अलावा दूर दराज से आए हुए मरीज भी रहते वार्ड ठहरते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था के कारण विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कहाँ पे क्या समस्या जा रही है? बच्चा रखा है जीओ का, बच्चा बेचार बेच रहे हैं। अब बताओ बहू के कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, कहाँ मतलब होता है, वो रो रही बैठी बैठी। हाँ। लेटना है उसको, लेटने के लाने भी जगह कहीं नहीं मिल रही। किस प्रकार की समस्या जा रही है? किस प्रकार की जा रही है? कहीं बैठने लेटने के लाने नहीं है, रुका करे बताओ क्या। कहाँ ले जा रही है तो आप? यहाँ ले जा रहा है, जो आ जा के पास कम लगा लो, नहीं आ जाएंगे। पीछे तरफ नहीं, यहाँ पर है सर, अभी तो वार्ड में कहाँ से आए हो आप? क्या समस्या जा रही है? मेघालय साहब पानी भरा है, कहीं जंक्शन पे बैठ ही नहीं पा रही है। हाँ। ये हालत खराब है, जगह जगह लेबर पड़ी है, जनसंख्या। हाँ हाँ। मेरी वाली अलग से परेशान हो रही है। क्या सब बेड भी नहीं है हमारे पास, मतलब तब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे अब, जैसे जनसंख्या सोचेगा वैसी तरह। कहाँ से आए हो आप? क्या समस्या जा रही है? अरे कल रात से परेशान है, आपका पानी भरा हुआ है, मरीज आते हैं तो चले जाते हैं और हमें बहुत दिक्कत हो रही है, उसके चलते बहुत परेशान है। और क्या समस्या है अन्न? कब से पानी भरा हुआ है? कहाँ कहाँ पे पानी ज्यादा है? पानी कचरा जो लोग हैं वो मजदूर बैठ के लेटे हुए परेशान है। चलो तो ऐसे जाम है, जाम है। ये और क्या वजह है? ये अस्पताल में पीछे मकान बना लिया किसी ने, गड्ढा हो गया था उसमें पानी भर गया, उस गड्ढे से पानी ओवरफ्लो हो के अस्पताल में आ रहा, बाढ़ जा रहा है, उसके कारण मरीजों को परेशान हो रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट भीग रहे हैं, इसके लिए हमें दो तीन बार नगर पालिका मिलेगा, इसको या तो पढ़वा दिया जाए या कोई ना कोई व्यवस्था ड्रेनेज बना दी जाए, लेकिन वहाँ से कोई गड्ढा नहीं मिला। अभी भी मैं फोन कर रहा हूँ, जमीन पर लेटे हुए हैं, बेड पर भी नहीं, मरीजों को सब कुछ मरीज कई परेशानी हो रहा
पानी देने में पानी सब आप देख रहे हैं सब निकाला जा रहा पानी, और उनको फिर से फ़ोन किया है कि अभी भेजा नहीं कर पाए वो सक्शन मशीन या कोई पंप करके उसको पानी को निकला पूरा ही क्या। आप पूरा राम लीजिए मरीज पूरे अस्पताल में नहीं है कहीं ऊपर कहीं जगह टपक गई है उनको सूखे में रख दिया है। मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा है इसलिए इसमें ज़्यादा काम कराना उचित नहीं है। एक आध महीने में हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए। कब तक पानी निकल जाएगा तो यहाँ से? पानी तो निकलना शुरू निकल गया तरीके से। कितना समय हो गया जब कब से भरा हुआ है पानी? पानी जब हैवी रेंज आएंगे तब से भरा था पानी से मैंने जब उसकी जब शिफ्ट करा दिया नगर पालिका को फोन कर दिया एक आदमी भेज दिया समस्या तो डील हो गई।